IPL में आज पहला मैच किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा था। टॉस हारकर मुंबई पहले बल्लेबाजी कर रही थी। कप्तान रोहित शर्मा ने क्विंटन डीकॉक के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। हार्डस विल्जॉन ने इस जोड़ी को तोड़ा और रोहित को 32 रन पर शिकार बनाया। इसके एक ओवर बाद ही सूर्यकुमार यादव भी चलते बने। दो विकेट छोटे से अंतराल में गिर जाने के बाद डीकॉक ने युवराज सिंह के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी की। इस दौरान डीकॉक ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 60 रन बनाने के बाद मोहम्मद शमी के शिकार बने। कुछ देर बाद ही युवराज सिंह भी चलते बने। मुंबई ने 16 ओवर में 4 विकेट पर 137 रन बना लिए थे। पंजाब के कप्तान आर अश्विन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने टीम में एक बदलाव भी किया था, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की जगह मुरुगन अश्विन को खिलाया। फिर बाद के 4 ओवर में हार्दिक पांड्या ने 19 गेंद पर 31 रन बनाए और मुंबई का स्कोर कर दिया 176। वहीं पंजाब ने मुंबई की ओर से मिले 177 रन के लक्ष्य का पीछा शुरू कर दिया। क्रिस गेल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी टीम को उम्मीदों के अनुसार शुरुआत नहीं दे पाए। गेल ने 40 रन की पारी खेली लेकिन उन्होंने काफी डॉट गेंदें खेली। इसके चलते पावर प्ले के 6 ओवर में महज 38 रन बने। गेल को कुणाल पांड्या ने आउट कर दिया। हालांकि मयंक अग्रवाल ने पारी को रफ्तार दी। 17 ओवर के बाद पंजाब 2 विकेट पर 163 रन बना सके। बात करें दोनों टीमों के स्कोर कार्ड की तो मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा ने 32 रन बनाए थे, क्विंटन डीकॉक ने 60 रन, सूर्यकुमार यादव 11 रन, युवराज सिंह 18 रन, किरण पोलार्ड 7 रन, हार्दिक पांड्या 31 रन, कुणाल पांड्या 10 रन। वहीं बात करें पंजाब के बैटिंग लाइनअप की, पंजाब की तरफ से केएल राहुल ने सर्वाधिक रन बनाए 71 रन जिसकी बदौलत से पंजाब जीत गई। क्रिस गेल ने 40 रन बनाए, मयंक अग्रवाल ने 43 रन की पारी खेली और डेविड मिलर ने 15 रन की छोटी पारी खेली। पंजाब की तरफ से मोहम्मद शमी और हार्दस ने 2-2 विकेट लिए। वहीं एंड्रयू डाय ने 1 विकेट और वहीं मुरुगन अश्विन ने 2 विकेट लिए।